तो दोस्तों बड़ा वाला बैग मैंने यहाँ पे रख दिया और रात गुजार ली है। रात मेरी ऐसी गुजरी है कि 3 बजे स्टार्ट हो गई थी आपकी कुर्बानी, और फिर मैं सो नहीं पाया तो 6 बजे बाकी मैं उठा, थोड़ा सा फ्रेश वगैरह हुआ, उसके बाद चाय भी। बड़ा वाला बैग हमने यहाँ पर रखवा दिया है और अब हम घूमेंगे जयपुर। तो फ्रेंड्स हम जा रहे हैं हवा महल की साइड। सुबह का नज़ारा ये बिल्कुल सुबह हुई है, दुकान भी नहीं खुली हुई है और हम चल दिए हैं घूमने। साधु जयपुर फेमस है वैसे आपके राजपूतों के लिए, राजवाड़ों के लिए, अपने आर्किटेक्ट के लिए, अपने कल्चर के लिए, अपने फोक के लिए और अपनी संस्कृति के लिए। तो सुबह सुबह आ चुके हैं हम जल महल। तो जो सामने आप देख रहे हैं वो है पानी के बीच भी जल महल। ये 3 मंजिल इमारत है, 1 पानी के नीचे, 2 पानी के ऊपर, और ये 15 फीट गहरी झील के बीचों बीच बनाया गया है। अरावली पहाड़ों की गोद में ये 300 एकड़ में फैला हुआ एरिया है और 15 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल जल अभ्यारण्य है। टूरिस्ट के लिए अब बंद है, तो विदाउट टिकट आप दूर से इसे देख सकते हैं और फोटो क्लिक करा सकते हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है यहाँ पर सनसेट का। ओपन नहीं है, हम अंदर से देख नहीं सकते, तो बाकी हम बाहर से देख रहे हैं। और कपल्स का यहाँ पर ज़्यादातर शूट होता रहता है, और तो अभी भी यहाँ पर 5 कपल्स हैं जो यहाँ पर शूटिंग करवा रहे हैं, अपने फ़ोटो शूट करवा रहे हैं, शायद उनकी शादी होगी। बाकी पर्सनली मुझे इतना कुछ अच्छा नहीं लगा क्योंकि अंदर जा नहीं सकते और दूर से साफ नज़र भी नहीं आ रहा। सच्ची बताऊँ इतना कुछ खास लगा नहीं मुझे। बाकी आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे बताएं, और जो जो यहाँ पर आ चुके हैं वो भी कमेंट करके बताएं उनको कैसा लगा था यहाँ पर। 1 घंटे जल महल के साथ स्पेंड करने के बाद और यहाँ का फोटोशूट देखने के बाद मैं चल दिया हवा महल की साइड, जो सबसे मेन अट्रैक्शन है जयपुर की। ठीक है, हमें भैया ने लिफ्ट दे दी है, अब हम जा रहे हैं यहाँ से आपका जल महल से हवा महल की साइड। 4 किलोमीटर दूर है, तो हमने सोचा थोड़ा सा पैदल ज़्यादा हो जाएगा, पूरे दिन घूमते घूमते तो थोड़ा लिफ्ट लेकर पहुँचा जाए। भैया क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ, ये देखो हमने जयपुर के अंदर मेन सिटी के अंदर भी हिचहाइकिंग कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर सारा ही आर्किटेक्चर इसी तरह से है, रेड कलर में, और जैसे किले बना रखे हो पूरा आर्किटेक्चर इस तरह से बना रखा है जयपुर में। मैंने आपको कितने भी बिल्डिंग्स दिखाई, स्कूल, मस्जिद, मदरसे, इस टाइप का आर्किटेक्चर है यहाँ पर जयपुर में, ऑलमोस्ट रेड कलर में और ऑरेंज कलर में। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है हम जयपुर में घूम रहे हैं, फीलिंग आ रही है। पिंक कलर में जो घर रंगे हुए हैं सारा वो पेंट हुआ हुआ है, उस वजह से पिंक सिटी कहा जाता है। हर तो आ चुके हैं हम हवा महल। यह पुराने टाइम के राजा ने अपनी रानियों के लिए बनवाया था, ताकि वो अंदर बैठकर बाहर की रेलियां झांकियां देख सकें। और इतनी सारी खिड़की होने की वजह से ही इसमें हवा इतनी पास होती है, इसलिए हवा महल कहा जाता है इसे। तो ये था आपका हवा महल, मेन चौक पर बनाया गया, मेन सिटी में बनाया गया। ये आपका एक तरीके से
जयपुर का दिल है हवा महल। पूरे में सीढ़ी सीढ़ी है और खिड़कियां ही खिड़कियां है, तो ऐसा है इसलिए हम अंदर जा नहीं रहे। 50 रुपए का टिकट है इसके अंदर का, और बाहर से हमने देख लिया अंदर क्या है, अंदर से खिड़कियों में से बाहर का देखने का है, समझ रहे हो, देखने का तो बाहर का है, तो हम बाहर से ही देख रहे हैं, तो अंदर जाके देखेंगे क्या। तो एल्बर्ट म्यूजियम जा रहे हैं हम। तो भाई लोगों पहुंच चुके हैं हम एल्बर्ट हॉल म्यूजियम। ये भी एक वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड प्लेस है जयपुर के अंदर। आप अगर आ रहे हो हवा महल से या जल महल से, आप किसी भी पॉइंट जा रहे हो, तो ऑटो रिक्शा कर लेना क्योंकि ये काफ़ी दूरी पर हैं। ये भाई 2400 साल पुरानी ये मम्मी है और ये मिस्र की है। मम्मी का ये एक्सरे मार्च 2011 में लिया गया था, मम्मी बिल्कुल सेफ है अभी भी। तो दोस्तों हम एल्बर्ट हॉल म्यूजियम के अंदर बिना टिकट के घुस गए थे। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं सिटी पैलेस के पास। ये देखो इनसे बात करते हैं कि हमें विदाउट टिकट अंदर जाने देंगे या नहीं देंगे, ठीक है। ये है जंतर मंतर और ये आपका सिटी पैलेस, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे टिकट मिलती है सिटी पैलेस की। और ये मेन गेट है सिटी पैलेस का, महाराजा स्वामी मान सिंह द्वितीय ने बनाया था ये सिटी पैलेस। ट्राई करते हैं कैसे जाएंगे अंदर, कैसे नहीं जाएंगे, और पूछते हैं, ठीक है। हम अनऑफिशियली अंदर आ चुके हैं बट अभी ऑफिशियली नहीं आए, अभी हमारी हम पूछने जा रहे हैं अंदर कि हमें एंट्री मिल सकती है नहीं मिल सकती। तो ये भैया हमारी मदद कर रहे हैं और अभी अंदर हम परमिशन ले रहे हैं, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है इस वजह से यहाँ पर इनसे पूछना पड़ेगा। हमें अंदर जाने की परमिशन नहीं मिली इसलिए अब हम बाहर जा रहे हैं। ये देखो कितने सारे अंग्रेज हैं यहाँ पर। तो गाइस फाइनली हमें टिकट मिल चुकी है सिटी पैलेस की और ये 300 रुपये की आई है भाई। तो ठीक है, ये किसी ने हमें स्पॉन्सर कर दिया हमें टिकट, उन्होंने मना कर दिया कि हमारी वीडियो मत लो, ऐसे हेल्प करते थे हम, तो ऐसे हेल्प हो गई हमारी 300 रुपये की टिकट की। तो हमने पूछा था किसी से कि मस्ट है, घूमने लायक है, ठीक ठाक है, तो उन्होंने कहा बहुत 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 अच्छा है। तो हमने कहा चलो भाई सिटी पैलेस तो देखने का बनता है, फिर ऐसा 300 रुपये की टिकट है तो खास तो होगा ही होगा। चलो जी एंट्री हो गई, अब हम अंदर चलते हैं। यह पैलेस महाराजा स्वाभिमान सिंह और उनके वंश का पैलेस है और ये काफ़ी बड़ा पैलेस है। और ये देख सकते हैं आप, ये सोविनियर हॉल है, इसमें पेंटिंग सब चीज़ मिल जाएगी उससे रिलेटेड। और यह पेंटिंग हॉल है, यहाँ आपको महाराजा और उनके वंश से सारी रिलेटेड पेंटिंग्स आपको देखने को मिल जाएंगी। और आप जान सकते हैं कि महाराजा किस तरह रहा करते थे, उनका रहन सहन, उनकी ताकत, उनका शासन काल, उनके वंश के बारे में और उनकी मान्यताओं के बारे में आप सब कुछ जान सकते हैं और समझ सकते हैं और देख भी सकते हैं इन पेंटिंग्स के द्वारा। और यह सुंदर सी शॉप यहाँ की सोविनियर शॉप है। तो दोस्तों पूरा देख चुका हूँ मैं स्वाभिमान सिंह के चीज़ें यहाँ पर, उन यहीं की हिस्ट्री है। और मुझे तो कुछ मज़ा इतना खास आया नहीं कि मुझे तो बहुत चीज़ें देखनी थी,
कि यार अच्छी अच्छी चीज़ें देख सकूँ, लेकिन यहाँ पर कुछ देखने को मिला ही नहीं, कुछ बस पुरानी चीज़ें। अरे यार कुछ एडवेंचरिंग चीज़ मुझे पसंद है, तो एडवेंचरिंग चीज़ ये थी नहीं, जैसे किलों में गुफाएं हो गई, समझ रहे हो, वो हाइट हो गई, और कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें, सुरंगें और ऐसे ऐसी हिस्टोरिक चीज़, एडवेंचरिंग चीज़ मुझे पसंद है। आप जो ये सामने देख रहे हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा चांदी का कलश है। यह कलश महाराजा के लिए बनाया गया था। इतनी सारी चांदी को पिघलाकर ये कलश बनाया गया था, क्योंकि उनको कहा गया था और उनको शूट करता था सिर्फ गंगा जल, इसीलिए वह कहीं भी युद्ध में या सफ़र में कहीं भी जाया करते थे तो इसमें भरकर गंगा जल को लेके जाया करते थे पीने के लिए। हम जा रहे हैं आम एयरपोर्ट या नाहरगढ़ फोर्ट, ठीक है, नाहरगढ़ फोर्ट में ही शायद सबसे बड़ी तोप है, तो हम वहाँ जरूर जाएंगे, वो सबसे बड़ी इंडिया की तोप आपको दिखाएंगे। तो गाइस भैया ने हमें लिफ्ट भी दी और टिकट के पैसे भी दे दिए भैया ने हमें, और तो अब हम आमेर जा रहे हैं और फिर उसके बाद जयगढ़ जाएंगे और फिर उसके बाद घर जाएंगे, ठीक है। थैंक यू भैया, क्या नाम है आपका? आकाश श्रेणी, आप यही कर रहे वाला नौकर। देख लो कितने अच्छे लोग हैं भाई, राजस्थान के मैंने अभी तक एक्सपीरियंस कर लिया और आगे भी देखते हैं, ठीक है भाई। थैंक यू भैया। तो दोस्तों हम आ चुके हैं आमेर फोर्ट। आमेर फोर्ट अब लग रहा है कुछ मज़ा आएगा, वरना वो मरे हुए इंसानों को देख देख के पक गए हम। अब यहाँ कुछ एडवेंचरिंग चीज़ होगी, ऊंचाई होगी, हाइट्स होगी, टनल होगी, कुछ गुफाएं होंगी, तो यहाँ पर मज़ा आएगा देखने में। ये भैया हमारे साथ हैं, ये हैं मध्य प्रदेश से, सिवनी से। सिवनी से हाय, मिल लो इनसे, बोलो भाई सिवनी वालों कुछ बताओ, क्या फेमस है तुम्हारे यहाँ का, क्या है बताओ अपने यहाँ के बारे में। हमारे यहाँ के बारे में दल सागर। दल सागर और वही छपा से फेमस। नाम क्या तुम्हारा? गणेश प्रतीक। गणेश प्रतीक, ये देखो भाई सिवनी से। बढ़िया किला है और बड़ा किला है और फेमस भी है, और 102 रुपये की इसकी टिकट है और स्टूडेंटों की आपकी 2200 रुपये टिकट है। इन्हें भी ले लिया बच्चों को, ये बच्चे पीछे बढ़ गए, ये देख लो ये है समझदार बच्चे, चैनल को सब्सक्राइब करवा रहे हैं। बस अनुराग क्लास विलास बताओ, एट्थ क्लास में सारे, ये भाई हीरोइन भाई, यहाँ आ रहा है मजा। ये भूल भुलैया बना बनी पड़ी अंधेरे में, ये है कुछ एडवेंचरिंग भाई, अंधेरा ही अंधेरा और अकेले हम, और कितनी मंजिल है, अरे सीधे हम ऊपर ही पहुंचेंगे, पहली मंजिल पे तो पहुंचा भाई। तो गाइस यहाँ आ रहा हूँ आमेर किले के अंदर, ये कुछ एडवेंचरिंग जगह है, तो भाई ये देखो ऑसम। और भी ऊपर चढ़ने का सिस्टम है क्या? हाँ और भी चढ़ने का सिस्टम है, आओ कितने गए, आओ तो चलो और ऊपर चलते हैं। ये देखो भाइयों ये सीढ़ियाँ हैं, मज़ा आ रहा भाई, ये देखो कितने खुश हैं, ये पहली बार इनकी ये फिल्म में आ रहे हैं, गांव में बताएंगे कि मैं फिल्म में आया हूँ। ये देखो
ये कहाँ आ गए? वो बैठा ये नई जगह खोज ली हम और ऊपर आ गए भाई साहब, कोई भी नहीं आ रहा यहाँ तो सिर्फ हमें। चलो जी दिखाता हूँ यहाँ पर भाई, इतनी ऊंचाई पर आ गए यहाँ तो कोई भी नहीं आ रहा। तो भाई आमेर किले में मजा आ रहा है, आओ इधर आओ दिखाओ। हम ऊपर तक गए थे, इससे भी ऊपर चले गए, अंदर अंदर भूल भलैया में खेल भी हमें घूम रहे हैं, अंधेरे में जहाँ कोई नहीं आ रहा वहाँ भी घुस रहे हैं। ये होता है एडवेंचर, ये होता है थ्रिल, ये होता है घूमने लायक जगह। अपने को ये पसंद है, बाकी हमने को पसंद नहीं है कि वहाँ पर पुराने कपड़े हैं, पुराने औजार हैं, पुराने ये चीज़ पसंद नहीं, एडवेंचर। आओ मार्ग में कहीं भी घुस जाता हूँ भाई कि ऐसे ऐसे प्लेसेस डरा अपने जहाँ लोग डर ना, मैं वहाँ घुस जाता हूँ कि भाई उसका एंड करेंगे। तो ये देखो ये है आपका आमेर का फोर्ट। एक और इम्पोर्टेंट बात भाई, अगर कोई मुझे सपोर्ट करना चाहता है कि ट्रैवलिंग के रिलेटेड, क्योंकि मैं विदाउट मनी ट्रैवल करता हूँ और ऐसे किलो में आने के लिए टिकट लगता है 102 रुपये का जो टिकट लगा है, और जयगढ़ में भी टिकट लगेगा और बहुत सी जगह ऐसा टिकट लगता है, और कभी कभी खाना भी नहीं मिलता, तो ऐसे में मुझे आप स्पॉन्सर कर सकते हो। तो मैं साइड में आपका मैं अपना QR कोड डाल दूंगा, तो आप जितना चाहें आप आपकी अपनी मर्जी से आपकी अपनी खुशी से स्पॉन्सर कर सकते हैं मुझे, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्लेसेस विजिट कर सकूँ और आपको दिखा सकूँ। भाई हम सुरंगों से जयगढ़ के लिए जा रहे हैं, अब ये देखो कैसी यहाँ पर सुरंग है, डरावना मंजर है यहाँ पर, तो हम जा रहे हैं फिर भी। ये देखो ऐसी एडवेंचर चीज करने में ज्यादा मजा आता है। देखो हम जयगढ़ किले में आ चुके हैं, ये देखो। तो थैंक यू भैया, थैंक यू आपका भी। तो हमें एंट्री मिल गई है, इन्होंने अपने सीनियर को थोड़ा सा कॉल मिलाया था, तो उन्होंने भी कहा चलो कोई बात नहीं एंट्री दे दो। तो हम अंदर जा रहे हैं अब घूमने। तो जयगढ़ का किला ऐसा है, इतना कुछ खास नहीं है, सिर्फ मुझे लगता है यहाँ पर तोप है। ये देखो ये भाई तोप है सबसे बड़ी, और ये तोप किले के अंदर रखी जाती थी, और ये जब लड़ाई वड़ाई कुछ भी हो जाती थी तब ये 32 बलों से 32 लोगों से खींच कर ऊपर पहुँचाई जाती थी। ये देखो इसकी हिस्ट्री, ये 1694 की बात है। तो भाई यहाँ जयगढ़ अब मुझे महसूस हो रहा है सिर्फ तोप के लिए मशहूर है, तोप कैसी बनाई जाती है यहाँ पर, तोप कैसी है बस, और पूरे किले में कोई भी नहीं है। जितना आमेर में भीड़ थी उतना जयगढ़ में कुछ भी भीड़ नहीं है, कोई भी नहीं आ रहा, और 150 रुपये की इसकी टिकट है। और हमने बात करी थी उनसे, हमने बताया भारत यात्रा कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, उन्होंने हमें एंट्री दे दी, और जयपुर के लोग इतने अच्छे हैं कि एंट्री दे दी फाइनली। तो भाइयों मैं आपको बता दूं, ये आपका जयगढ़ किला है, उसकी सिक्योरिटी के लिए बनाया गया किला है जयगढ़, ये उससे ऊंची पहाड़ी पर है। आप देखोगे ना यहाँ से जयगढ़ के ऊपर, यहाँ से आपका पूरा जयपुर शहर दिखता है, और ये देखें आपका दीवार बंदी की गई है पहाड़ों पर, और सब वहाँ पर भी आमेर फोर्ट के सामने भी किला बनाया गया है, वो देखें ऊपर पूरी दीवारें जा रही हैं, और यहाँ से भी दीवार जा रही है, जैसे चीन की दीवार रखी है, उसकी सेफ्टी के लिए, आमेर किले की सेफ्टी के लिए पूरा किला बनाया गया था। इसमें सबसे बड़ी तोप बनाई गई थी, पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी तोप यहीं पर है, तो पूरा शहर दिखता है यहाँ से, तो सनसेट भी सबसे प्यारा दिखता है यहाँ पर। तो दो चीज़ों के लिए जयगढ़ किला मशहूर है, सनसेट के लिए और सबसे बड़ी तोप के लिए। तो अब हम आ चुके हैं किले के सबसे ऊपरी छोर पर, जहां दुनिया की सबसे बड़ी तोप रखी गई है। तोप बहुत भारी है और बस एक बार चली है, इसकी नाल 20 फीट की है, और ये 50 टन भारी भरकम तोप है, भरने के लिए 100 किलो बारूद लगा करता था। घूमते रात हो गई, बहुत मज़ा आया, और सनसेट बहुत ज़्यादा प्यारा था, यहाँ का पूरा शहर दिख रहा है यहाँ से जयपुर का। वीडियो को रखते हैं यहीं तक, और कल मिलते हैं नए सफ़र के साथ नई वीडियो में।